अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। बाबा, बाबा यानी अब्बू। सऊदी अरब में अब्बू को बाबा के नाम से पुकारा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर मुल्क में अपना अपना एक भाषा है। कोई अब्बू कहता है तो कोई डैड कहता है, कोई अब्बा कहता है। एक बात और, सऊदी अरब में भी कुछ लोग बाबा कहते हैं तो कुछ लोग अबूया कहकर पुकारते हैं। मामा, मामा यानी अम्मी। सऊदी अरब में अम्मी को मामा कहकर पुकारा जाता है। और भी कई मुल्क है जहाँ पर अम्मी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर अम्मी कहते हैं तो कहीं अम्मा कहा जाता है, तो कहीं मॉम कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में अम्मी को मामा कहा जाता है। जद्दा, जद्दा यानी दादा। सऊदी अरब में दादा को जद्दा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग के घर में हमारे दादाजी होते हैं और उनको हम लोग दादाजी हमेशा कहते हैं, तो यहाँ पर सऊदी अरब में दादाजी को जद्दा के नाम से जाना जाता है। जद्दती, जद्दती यानी दादी। सऊदी अरब में दादी को जद्दती के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपने घर में अपने अब्बू के माँ को दादी कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी दादी को जद्दती कहा जाता है। सिद्दी, सिद्दी यानी नाना। सऊदी अरब में नाना को सिद्दी के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपनी घर पर अपनी माँ के अब्बू को नाना जान कहते हैं, ठीक उसी तरीके से सऊदी अरब में नाना जान को सिद्दी कहा जाता है। सित्ती, सित्ती यानी नानी। सऊदी अरब में नानी को सित्ती के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपने घर पर अपनी माँ की माँ को नानी जान कहकर पुकारते हैं, ठीक उसी तरीके से सऊदी अरब में नानी को सित्ती कहा जाता है। जौज, जौज यानी सौहर। सऊदी अरब में सौहर यानी हस्बैंड को जौज के नाम से जाना जाता है। जौजा, जौजा यानी बीबी। सऊदी अरब में बीबी यानी वाइफ को जौजा के नाम से जाना जाता है। अख्ती, अख्ती यानी बहन। सऊदी अरब में बहन को अख्ती के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपने घर पर अपनी बहन को कभी बहन कहते हैं तो कभी सिस्टर कहते हैं, तो कभी बाजी बोलते हैं तो कभी आपा कहते हैं, ठीक उसी तरह सऊदी अरब में बहन को अख्ती कहकर पुकारा जाता है। अखू, अखू यानी भाई। सऊदी अरब में भाई को अखू के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपने घर में अपने भाई को कभी भाई कहते हैं, कभी ब्रो बोलते हैं, कभी ब्रदर बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से सऊदीया में भाई को अखू कहा जाता है। अजूज सैबा, अजूज सैबा का मतलब होता है बूढ़ा आदमी। और सऊदी अरब में बूढ़े आदमी को अजूज सैबा कहा जाता है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये बूढ़ा आदमी कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका रिश्तेदार ही हो, ये बाहर का भी कोई आदमी बूढ़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में बूढ़े आदमी को अजूज सैबा के नाम से जाना जाता है। अजूजा, अजूजा यानी बूढ़ी औरत। सऊदी अरब में बूढ़ी औरत को अजूजा के नाम से जाना जाता है। और ये बूढ़ी औरत कोई भी हो सकती है, चाहे वो घर की बूढ़ी औरत हो, चाहे वो किसी रिश्तेदार की बूढ़ी औरत हो, चाहे वो कहीं बाहर की बूढ़ी औरत हो, उसे सऊदी अरब में
अजूजा के नाम से जाना जाता है।